नमस्कार प्रिय छात्रों एवं साथियों, आज 4-5 दिन से टाइम मिला है एक वीडियो शूट करने का। काफ़ी बच्चे मांग कर रहे थे कि सर बहुत दिन हो गए, कोई टॉपिक छोड़िए, घर बैठे बैठे बोर हो गए। मैंने सोचा चलो आज टाइम निकालते हैं, तो आज हमने ये टाइम निकाला आपके लिए। अपने अपवा तंत्र चल रहा था, अपवा तंत्र में झील का एक दिन मैंने एक शूट किया था वीडियो, और वो मात्र 5 मिनट का वीडियो शूट कर पाया, और इस वजह से मैं कोई विशेष काम होने के कारण से उसको मैंने वहीं क्लोज कर दिया। आप भी सोच रहे होंगे सर ने आधा डाल दिया, मैं फिर डाल रहा हूँ आज पूरा। और आप है ना इसको इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से देख कर किसी करने की कोशिश करें। बहुत इजी है, टॉपिक है, कोई भी टफ नहीं होता, अगर उसको पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। अब इस टॉपिक को सभी बच्चे हैं ना कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक BA MA लेवल तक सब बच्चों के लिए कामयाब है। ये प्रश्न आते हैं, प्रश्न प्रतियोगिता की जो तैयारी करते हैं पटवारी, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक और अन्य SSC वगैरह जो भी हैं, एग्जाम है अपने, रीट भर्ती है, टीचर्स भर्ती है, उनके लिए भी यही आते हैं। कोई विशेष थोड़ी होते हैं, किताबों से क्वेश्चन आते हैं सारे। अब देखते हैं सारे, अब लोग लगे रहते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखो कि कितने क्वेश्चन आपको अलग आते हैं, कितने कोई नए टॉपिक से संबंधित प्रश्न कौन सा अधिक फालतू आ रहा है नहीं आ रहा है देखते हैं। मैं सिर्फ किताबों से आपको बता रहा हूँ, किताबों की जो है वो ठीक है। बात करते हैं आज फिर से उसी टॉपिक की, झील। राजस्थान में झीलों का एक टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है, इसको हम आराम से रोचकता से पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना मैप के द्वारा नहीं पढ़ सकते। मैप का मतलब ये है कि मैप का मतलब स्थाई ज्ञान। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि नंबर 1, 2, 3 और 4 और इसमें पूछ लें कि झील नंबर 1 पर कौन सी है, तो फिर आपको अगर मैप द्वारा नहीं पढ़ा हुआ है तो आपका पढ़ा पढ़ाया बिल्कुल पूरा कोई काम नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रहे, मैप के द्वारा पढ़े कोई भी टॉपिक है ज्योग्राफी का, उसके बाद में अन्य टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बात कर रहे हैं झील। राजस्थान में जो झील है वो दो प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक नंबर 1 खारे पानी की झीलें और दूसरी मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें, तो ध्यान रहे ये पहला प्रश्न मैं बात कर रहा हूँ खारे पानी की झील। ये अपने मैंने बताया था पहले भी आपको, ये अरावली पर्वत है इधर, यहां से ये भाग अरावली पर्वत का, इस साइड में थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। यहां मरुस्थल नहीं था पहले, क्या था यहां? एक सागर हुआ करता था, समुद्र था, और उस समुद्र का नाम क्या था? टेथिस सागर। कम से कम ये तो याद हो गया आपको कि कौन सा सागर था, थार मरुस्थल की जगह टेथिस सागर। अगर आपसे ये नहीं पूछे ऐसे पूछ ले कि पश्चिम राजस्थान में जो भूभाग है वहां पहले के मतलब क्या था मरुस्थल से पहले, तो उत्तर क्या होगा? टेथिस सागर। अब सागर का पानी होता है वो आपको पता है पूरी तरह खारा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, लवण की मात्रा होती है, इसलिए इस क्षेत्र में ही ध्यान रहे खारे पानी की झीलें पाई जाएंगी। खारे पानी की झीलें सारी लगभग पश्चिम राजस्थान में जहाँ थार मरुस्थल था वहीं मिलेंगे आपको, बाकी राजस्थान में आपको मीठे पानी की झीलें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि पश्चिम राजस्थान थार मरुस्थल में आज जब पानी की जरूरत, हम पीते हैं पानी, नीचे बोरवेल से पानी निकालते हैं, तो वो जरूर थोड़ी है सारा ही खारा पानी मिलता है, मीठा पानी मिलता है। तो ध्यान रहे इधर पश्चिम राजस्थान में खारे पानी की भी झीलें मिलती हैं तो मीठे पानी की भी मिलती हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान में आपको खारे पानी की, दक्षिण राजस्थान में खारे पानी की झीलें नहीं मिलेंगी, ये तय ठीक है। तो थार मरुस्थल है वहां पर टेथिस सागर था। प्रश्न पहला ही महत्वपूर्ण है, देखिए ये पूछ रहे हैं कि जो खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें किसका अवशेष मानी गई, किसका अवशेष मानी गई है, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा टेथिस सागर। क्या होगा? टेथिस सागर। खारे पानी की झीलें किसका अवशेष मानी गई है? टेथिस सागर। बात कर रहे हैं खारे पानी की झीलें, पहले खारे पानी की झीलें पढ़ लेते हैं क्योंकि खारे पानी की झीलें कम है, उनको पढ़ाने में कम टाइम लगता है, तो आज हो सकता है इतना टाइम मिले। पहले बात करते हैं नंबर 1, पहली झील है सांभर झील, जिस पर सबसे अधिक बार प्रश्न आता है, सांभर झील। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण झील है, और आप पहली बार प्रश्न सुनेंगे कुछ तो ये कहेंगे सर हमने तो सुने ही नहीं है, बल्कि किताबों में है, बता देता हूँ आपको। गाइड पढ़ेंगे, गाइडों में नहीं मिलेंगे, गाइडों में अनाप शनाप फालतू बातें मिल जाएंगी, लेकिन किताबों में है सारे प्रश्न, बता रहा हूँ आपको। देखिए खारे पानी की झील है, सांभर झील कहाँ है? ये सांभर झील यहां पर है, ये देखिए सांभर, ये सांभर झील ठीक है। अब बात करते हैं सांभर झील है कहां, जिला पूछे किस जिले में है, तो ध्यान रहे जिला है जयपुर।
कौन से जिले में है सांभर झील? जयपुर में। मीठे पानी की या खारे पानी की? तो खारे पानी की झील। ध्यान रखना हम खारे पानी की झील पढ़ रहे हैं, झीलों में कौन सी? खारे पानी की। ठीक है, तो सांभर झील कैसे है? मीठे पानी की है, खारे पानी? बोले खारे पानी की झील। ठीक है, क्लियर हो गया। कौन से जिले में है? तो जयपुर जिले में। ध्यान रहे अगर एक जिला पूछे तो जयपुर हो जाएगा, और अगर मिक्स पूछे तो कुछ भाग इसका अजमेर में भी आता है। किस में आता है? अजमेर में। और कुछ भाग इसका आता है नागौर में। तो ध्यान रहे सबसे ज्यादा जयपुर में है, फिर नागौर में, फिर अजमेर में। इस प्रकार से तीन जिलों में फैले हुए हैं। पूछ ले प्रश्न कि सांभर झील है वो कौन से जिले में स्थित नहीं है? सांभर झील, प्रश्न ऐसे आ गए, सांभर झील किस जिले में, किस जिले में स्थित नहीं है? अब ऑप्शन में दे दिया, जैसे जैसे पहला है अजमेर, दूसरा नागौर, तीसरा सीकर और चौथा जयपुर। तो उत्तर क्या करोगे? क्लियर है, बहुत आसान है, आराम से कर देंगे आप। मेरे को लगता है कि आपको ये परेशानी होगी नहीं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? सीकर। सीकर में क्या नहीं है? सांभर झील नहीं है। चलो नॉर्मल प्रश्न था, एक प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। तो ये कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, और अगर पूछे तीन तो यहाँ बताएंगे जयपुर, दूसरा नागौर, तीसरा अजमेर, तीन जिलों में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, सांभर झील कृत्रिम या प्राकृतिक है? प्राकृतिक होती है जो प्रकृति ने, यानी अर्थात जब इस धरती का निर्माण हुआ, अपने आप इसका निर्माण हुआ हो, और कृत्रिम होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा निर्माण किया हो या किसी समूह या समाज द्वारा निर्माण किया हुआ। तो ध्यान रहे ये कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? कृत्रिम झील है। और ये कृत्रिम झील है तो किसने बनवाई? तो ध्यान रहे ये राजपूतों ने बनवाई थी। राजपूतों में किसने? वासुदेव चौहान ने, जो अजमेर में, जो अजमेर में चौहान राजपूत थे उनका संस्थापक था। देखिए इतिहास का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि अजमेर के जो चौहान राजपूत थे उनका संस्थापक कौन था? तो वो था वासुदेव चौहान। तो ध्यान रहे वासुदेव चौहान ने निर्माण करवाया था। ये शासक था पहला राजपूत शासक, ध्यान रहे अजमेर का, अजमेर क्षेत्र में अर्थात साकंबरी क्षेत्र में इसने सांभर झील का निर्माण करवाया। ये साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं? तो ये ध्यान रहे बिजोलिया, बिजोलिया का पहले प्राचीन नाम था विंध्यावली। तो विंध्यावली में एक शिलालेख मिला, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख में ये पूरे प्रमाण मिले हैं कि वासुदेव चौहान है अजमेर के राजपूतों का संस्थापक था और उसी ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो प्रश्न पूछ लें कि सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? तो बताओगे आप वासुदेव चौहान ने। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सांभर झील का मैंने पहले भी बताया था, नदी से संबंधित था कि सांभर झील है, सांभर झील में सर्वाधिक नमक, सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी कौन सी है बताओ? तो मैंने बताया था चार नदियां गिरती है सांभर झील में, कौन कौन सी? एक तो खंडेला है, एक खारी है, एक रूपनगढ़ नाला है और एक है मंथा। मंथा का दूसरा नाम है मेंढा भी है। ठीक है, मंथा, मेंढा। तो इसका उत्तर क्या होगा? मंथा ऑब्लिक मेंढा। ये नदी है जो सबसे ज्यादा नमक लाती है सांभर झील में। और ध्यान रहे चार नदियां सांभर झील में गिरती हैं। क्लियर हो गया आपके? अगली बात करते हैं सांभर झील के प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न ये है, इस पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां जयपुर शहर है, जयपुर, ये फिर आगे फुलेरा आ गया, फिर आगे सांभर झील आ गई, फिर ये जोधपुर है। ठीक है ना, ये जोधपुर। तो ध्यान रहे ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत नॉर्मल है। अगर आपको ये अगर मैप का ध्यान है तो दिक्कत नहीं होगी। अब कई बार रट्टा फिक्शन करते हैं, रट्टा फिक्शन वाला गलत होगा, ध्यान रहे। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली है, यहाँ कौन सी है? दिल्ली। तो दिल्ली से इधर ट्रेन आती है लोहारू होते चूरू, इसके बाद में फिर अपने डीडवाना है ना, डीडवाना से फिर आगे आगे मेड़तार, फिर जोधपुर तक आ जाएगी ट्रेन, है ना। तो डीडवाना झील भी इससे दिल्ली जोधपुर रेलवे लाइन पर पड़ते, और ये दिल्ली जोधपुर रेलवे लाइन एक ये भी है जयपुर होते
प्रश्न ये आया हुआ है कि जयपुर जोधपुर रेलवे लाइन पर कौन से खारे पानी की झील स्थित है। उसमें ऑप्शन यही थे, सांबर झील, डीडवाना झील, और उसके बाद में लूणकणसर झील, और उसके बाद में एक अपने कहे तो सिक्कर में है कोछोर झील। ये खारे पानी झील ऑप्शन में दे रखा था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सांबर झील। प्रश्न है, ध्यान रहे, महत्वपूर्ण है कि सांबर झील कौन सी रेलवे लाइन पर स्थित है, जोधपुर जयपुर रेलवे लाइन पर, यानी जोधपुर जयपुर रेलवे, यानी इस रास्ते पर रेलवे लाइन पर कौन सी झील है, तो इस उत्तर हो जाएगा सांबर झील। अगर यही प्रश्न ऐसे होता दिल्ली जोधपुर रेलवे लाइन पर कौन सी झील है, तो दिल्ली जोधपुर पर तो सांबर भी है भाई, इधर से भी आती दिल्ली वाली ट्रेन जोधपुर होकर के एक सीधी भी आती इधर से भी, तो डीडवाना भी आ जाएगी, तो वो प्रश्न अलग हो जाएगा। तो ध्यान रहे, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये आपके समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं सांबर झील से, अगला प्रश्न देखिए, सांबर झील है ये बहुत बड़ी झील है, नमक उत्पादन की दृष्टि से बात करें। मान लीजिए, एक बार मैं बात करता हूँ, छोटा सा एक नक्शा बनाते हैं भारत का, ये देखिए आपने, ये भारत का नक्शा, ठीक है, और भारत के नक्शे में ये बात करो तो मैं यहां से लेकर के ये समुद्र है, यहां से लेकर के यहां तक ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और इधर है अरब सागर, अरब सागर। देखिए बात करते हैं, ये नौ राज्य स्पर्श करते हैं समुद्र से भारत के, पांच इधर हैं अरब सागर से, चार हैं बंगाल खाड़ी से स्पर्श करते हैं। मैं बात कर रहा था सांबर झील की, तो ध्यान रहे, एक अपने झील है चिल्का झील, नाम सुनाओ आपने चिल्का, खारे पानी की है चिल्का झील। ये चिल्का झील है ये ओडिशा में, कहां पर है, ओडिशा में। ध्यान रहे, यहाँ पर जब भी नौसैनिक जो भर्ती होते हैं ना, नौसेना के जो जवान होते हैं, तो उनको पहली बार, क्योंकि नौसेना का काम क्या है, नावों से संबंधित, अर्थात कहें तो समुद्र से संबंधित, तो उनकी रखवाली करती हो, तो उनको पहली बार प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो बच्चे होते हैं, नए होते हैं, उनको समुद्र में नहीं उतारा जाता, पहली बार उनको प्रशिक्षण दिया जाता है चिल्का झील में, और चिल्का झील उड़ीसा में। तो ध्यान रहे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, चिल्का झील भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन यही प्रश्न अगर ऐसा हो जाए, हाँ बेटा, हाँ ठीक है, ये प्रश्न ऐसा जाए कि भारत में हाँ ठीक है, भारत में नमक उत्पादन की दृष्टि से, नमक उत्पादन की, हाँ बेटा रुको, दृष्टि से सबसे बड़ी झील, ये भारत की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रहे, राजस्थान की नहीं, भारत में नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा सांबर झील। अब यही प्रश्न ऐसे हो, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उत्तर होगा चिल्का, खारे पानी की तो ये है, और नमक उत्पादन की दृष्टि से, क्योंकि नमक सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है इसी सांबर झील में, और भारत, संपूर्ण भारत का 8.7% लगभग कहें तो 9% के आसपास नमक उत्पादन सांबर झील से होता है पूरे भारत का, तो बहुत बड़ी बात है, छोटी झील नहीं है। ध्यान रहे, ये झील है सांबर झील है, ये भारत में नमक उत्पादन की दृष्टि सबसे बड़ी झील है, ठीक है। वैसे नमक उत्पादन में पहला स्थान गुजरात का है, आपने नाम सुना होगा दांडी नमक वगैरह, इस प्रकार से दांडी यात्रा की थी, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में, तो ये गुजरात है, ये समुद्र से और नमक उत्पादन करता है गुजरात स्टेट, सबसे ज्यादा नमक उत्पादन कौन सा करता है स्टेट, तो गुजरात, गुजरात पहला स्थान है। लेकिन ध्यान रहे, मैं बात कर रहा हूँ कि नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील, तो उत्तर हो जाएगा सांबर, ठीक है, तो समझ में आ गया, हो गया बात। आगे बात करते हैं इसी की, कि सांबर झील में नमक उत्पादन तो हो रहा है 8.7% हो रहा है पूरे भारत का, तो ये नमक उत्पादन करता कौन है, तो ध्यान रहे, ये राज्य सरकार नहीं करता, ये भारत सरकार करती है, और भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। देखो हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, वैसे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है पूरे भारत में नमक उत्पादन करता है, लेकिन ये
कहे तो सांबर झील में उत्पादन करता है, तो ये इस प्रकार से इसका नाम होगा हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। तो हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड है, ये राज्य सरकार का है, यानी राजस्थान सरकार का उपक्रम है, या उस राजस्थान सरकार की कंपनी है, या फिर भारत सरकार की? तो उत्तर होगा भारत सरकार की, ध्यान हिंदुस्तान नाम आ गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ध्यान रहे पूरा पूरा इस पर भारत भारत का नियंत्रण है, भारत को ही इसका उत्पादन है, जो राजस्व वसूली होती है भारत केंद्र सरकार को ही होता है, तो हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड इसका उत्पादन करती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उत्पादन। और यहीं पर सांबर जिसके पास में एक नावा है, नावा नावा नागौर में है, यहां पर एक साल्ट म्यूजियम बनाया है, साल्ट म्यूजियम। ये साल्ट म्यूजियम में क्या है, साल्ट म्यूजियम अनेक वैरायटी है नमक की, तो वो म्यूजियम बनाया है वहाँ, साल्ट म्यूजियम। वहाँ पर एक कहें तो आप जैसे अन्य जो म्यूजियम देखते हैं, चिड़ियाघर देखते हैं, या पेड़ पेड़ पौधों का जो म्यूजियम देखते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों का भी देहरादून में है, अलग अलग प्रकार की वैरायटी है लकड़ी की, इस प्रकार से साल्ट म्यूजियम कहाँ है, तो नावा नागौर में है। क्लियर हो गया आपके। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न बनता है सांभर झील का, वो बनता है देखिए सांभर झील, सांभर झील है इसमें, यहाँ पर एक प्रवासी पक्षी नाम सुना होगा आपने, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य है, वहाँ पर मतलब सफ़ेद साइबेरियन सारस आते हैं शीतकाल में, यहाँ पर भी शीतकाल में विदेशी पक्षी आते हैं, वो है राजहंस। कौन से आते हैं? राजहंस पक्षी आते हैं। पूछ लें कि राजस्थान की कौन सी झील क्षेत्र ऐसा है जहाँ राजहंस पक्षी शीतकाल में आते हैं, तो उत्तर हो गया सांभर झील। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न ध्यान रहे, पक्षियों की बात करूँ तो 2019 में पक्षियों की मौत मौत ग्रह बन गया था ये, ठीक है ना, या मौत कब्र बन गया था, कौन सी झील? सांभर झील, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई थी सोडियम क्लोराइड की, और उससे वो कीटाणु मर गए, उन कीटाणुओं को जो पक्षियों ने खाया उसकी वजह से लाखों पक्षियों की मौत हो गई थी। तो लाखों पक्षियों की मौत किस वर्ष हुई सांभर झील क्षेत्र में? उत्तर हो जाएगा 2019। क्लियर हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं सांभर झील पर, सांभर झील पर अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आप पहली बार सुन रहे होंगे, थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। तो देखिए सांभर झील है वो 1869 की बात है, 1869 ईस्वी में जो समय अंग्रेजों का राज था अपने राजस्थान में भी कहें तो पूरे भारत में, उस समय जयपुर जयपुर महाराजा और जोधपुर महाराजा उन दोनों के बीच में अंग्रेजों ने और सांभर झील संधि कर ली थी, सांभर नमक संधि, पूछ ले सांभर नमक संधि अंग्रेजों और जयपुर के बीच में हुई थी, वैसे उसके बाद में जोधपुर भी शामिल हो गया था अंग्रेजों और जयपुर से, जयपुर के महाराजा के बीच में। तो इसमें उस समय जब 1869 में संधि हुई, तो ध्यान रहे पूरा का पूरा अधिकार है सांभर झील में नमक उत्पादन का अधिकार किसके अधिकार मतलब अधिकार में आ गया था, तो अंग्रेजों के अधिकार में। आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने हमें नमक भी नहीं बनाने दिया, नमक भी नमक के लिए तरसते थे, है ना, तो यहाँ के अपने एक स्थानीय भाषा में गीत गाते थे कि मारो तो राजा बोलो डोलो रे सांभर झील की नमक है ना, नमक सांभर झील भी अंग्रेजों ने ले ली रहे, इस प्रकार से वो गीत गाया करते थे कि मारे बच्चे तो मांगे तीखी चरखी रोटी रहे, कहने का अर्थ बिना नमक की रोटी हमें अच्छी नहीं लगती, तो वो नमक भी ही मतलब अंग्रेजों ने अधिकार में कर लिया था। आपको पता है उस नमक का आंदोलन क्यों किया था गांधी जी ने? इसीलिए कहते हैं नमक बनाने का अधिकार नहीं था, हमें नमक भी बहुत महंगा मिलता था, नमक के लाले पड़ते थे, और आज आप नमक की कोई इज्जत नहीं समझते, क्योंकि जब भारत आज़ाद हो गया, जिन्होंने आज़ाद करवाया है, तो आप समझ सकते हो कि ये सांभर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ जब नमक उत्पादन होता था तो अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया था। कब की बात है? 1869 की। एक प्रश्न ये बन गया, क्लियर समझ में आ गया होगा कि सांभर नमक संधि कब हुई थी? 1869 में अंग्रेजों और जयपुर के बीच में। और इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला प्रश्न, देखिए सांभर झील पर, सांभर झील है देखिए एक रामसर नाम सुना कभी आपने? रामसर, रामसर। अब आप सोचेंगे रामसर नाम के जो स्थान है वो तो राजस्थान में हो सकता है, भारत में हो सकता है, क्योंकि राम का प्रभाव राजस्थान में, तो ध्यान रहे ईरान में भी था, मुस्लिम देश है, वहाँ एक रामसर जगह है, वहाँ पर एक विश्व का एक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में ये तय किया कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ मतलब नम भूमि है, नम भूमि मतलब वहाँ की आसपास के क्षेत्र में नमी है, और वहाँ बहुत सारे पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो वहाँ रहते हैं, अपना आवास बनाते हैं, उनके लिए एक वातावरण, एक अनुकूल वातावरण मिलता है, तो उसे नम भूमि या कहिए वेटलैंड, वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब होता है नम भूमि, लैंड का मतलब भूमि, नम भूमि। तो नम भूमि या वेटलैंड क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, बहुत सारी जगह किया गया, अपने राजस्थान में दो ही स्थान है जो नम भूमि वेटलैंड में सम्मिलित है, एक तो सांभर झील है और एक केवलादेव
केवलादेव पक्षी अभयारण्य, ठीक है ना। ये पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये भरतपुर में। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान का कौन सा अभयारण्य है वो नम भूमि या वेटलैंड में सम्मिलित है, तो केवलादेव पक्षी अभयारण्य। और झील पूछी तो झील बताएंगे आप, सांबर झील। तो ध्यान रहे ये कहाँ हुआ, ये संधि कहाँ हुई थी? तो रामसर, तो इसको रामसर साइट भी बोलते हैं, रामसर साइट। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मानता हूँ मैं, बार बार प्रश्न आता है, रीट भर्ती में भी आता है, टीचर्स भर्ती में, कहीं भी आप देख लें कि रामसर साइट में सम्मिलित है कौन सी झील है, तो उत्तर होगा सांबर झील। रामसर साइट क्या था? रामसर साइट जो नम भूमि है, जहाँ यानी कि पशु पक्षियों वगैरह जो जानवर वगैरह उनको एक प्राकृतिक आवास और अच्छा उचित वातावरण मिलता है, उसको नम भूमि घोषित किया जाता है। तो ध्यान रहे नम भूमि या वेटलैंड या रामसर साइट में सम्मिलित झील कौन सी है? तो सांबर झील। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। एक अगला प्रश्न और बताता हूँ, इसका अंतिम प्रश्न सांबर झील का, वो ये है कि देखिए सांबर झील सबसे निचला स्थान है। सांबर झील है राजस्थान का सबसे निचला स्थान, निम्न स्थान है, निम्न स्थान सांबर, ठीक है। सांबर झील है ये सबसे निम्न स्थान है, निम्न। और सबसे उच्च कौन सा है? उच्च है माउंट आबू। माउंट आबू नाम सुना हो? गुरु शिखर, गुरु शिखर है वो सबसे उच्च स्थान है। ध्यान रहे राजस्थान का सबसे उच्च स्थान कौन सा है? ऊंचा स्थान गुरु शिखर। सबसे निम्न स्थान कौन सा है? सांबर झील। क्लियर समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद में ये सांबर झील से प्रश्न है वो अपने संपूर्ण हुए, तो ये आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद में अगला जो प्रश्न लेते हैं वो अगली झील, वो है सांबर झील के बाद में डीडवाना झील पर प्रश्न आते हैं, कई बार आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है डीडवाना पर भी, तो डीडवाना पर लेते हैं अगला। डीडवाना झील, डीडवाना नाम से स्पष्ट है, डीडवाना एक तहसील है नागौर की, तो नागौर में ही है नागौर। डीडवाना झील, झील कहां पर है? तो नागौर में ही। ये लीजिए डीडवाना, ये झीलें सारी मेरी देखी हुई है, क्योंकि अब जब चलते थे हम भी, जब भर्तियां वगैरह देखते थे आपकी तरह कहीं, तो फौज पुलिस की भर्ती, तो हम जयपुर से जोधपुर जा रहे थे, ट्रेन रुक गई थी सांबर झील में, तो हमने नमक चखा था, अलग अलग वैरायटी के नमक पड़े थे वहाँ। तो ध्यान रहे डीडवाना झील है, ये भी देखी हुई है डीडवाना, क्योंकि मैंने डीडवाना के पास में नौकरी की हुई है, तो डीडवाना झील है। इसकी बात करते हैं क्या प्रश्न बनते हैं डीडवाना पर, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला तो ये डीडवाना कैसी पानी, कैसी झील है, तो मीठे पानी के खारे पानी के? तो ध्यान रहे खारे पानी के, पहला प्रश्न क्लियर समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न बात करते हैं, तो डीडवाना झील है इसका जो नमक है वो अखाद्य है, ये खारे पानी की है लेकिन इसका नमक है वो अखाद्य है, ठीक है ना, खाने योग्य नहीं है, ठीक है ना। अखाद्य का मतलब अखाद्य नमक का मतलब नमक बनता ही नहीं, कहने का ये है नमक है ही नहीं, तो अखाद्य नमक कह सकते हैं। वैसे कौन सी झील का अगर नमक बनाए तो हम अखाद्य मानव के लिए खाने के उपयुक्त नहीं है, तो वो है डीडवाना झील। क्यों? इसका कारण ये है कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट मिलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे कौन सी झील क्षेत्र ऐसा है जहाँ सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाने स्थित है? बार बार पूछते हैं ये प्रश्न, बार बार मोस्ट प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ आपको नागौर के लिए। अगर पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष, ऐसे पूछते हैं राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष कहाँ है, तो बताएंगे आप डीडवाना में। क्या है स्टेट केमिकल वृक्ष? देखिए यहां पर सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट निर्माण करने का कारखाना है, आजकल तो कर बंद होने हो गया है लगभग का कारखाना है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट अगर यहाँ सोडियम क्लोराइड होता तो नमक बन जाता, लेकिन सोडियम सल्फेट की बात हो रही है, और सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना कहाँ है, तो बताएंगे डीडवाना में। अगर यही सोडियम सल्फेट की बजाय ऐसा जाए स्टेट केमिकल वर्क्स, यानी कहने का अर्थ स्टेट का है, यहाँ पर भारत का कोई अधिकार नहीं, भारत या केंद्र का कोई अधिकार नहीं। ध्यान रहे केंद्र का अधिकार किस पर था? मैंने बताया था सांबर झील पर, सांबर झील में नमक उत्पादन करता है केंद्र सरकार, और यहाँ राज्य सरकार है, ये सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना राज्य सरकार के अधीन है ये कारखाना, ध्यान रहे। तो सोडियम सल्फेट निर्माण करने का कारखाना कहाँ है? तो डीडवाना झील, केमिस्ट केमिकल। बस ये बार बार प्रश्न आता है, वैसे इस स्थानीय भाषा में इस सोडियम
सल्फेट को बोलते हैं देवल, यानी कि इस नमक को बोलते हैं स्थानीय भाषा में देवल। ध्यान रहे, स्थानीय भाषा मतलब डीडवाना क्षेत्र में स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, देवल। इस नमक को, नमक को क्या कहते हैं, देवल कहते हैं। देवल क्या है, तो देवल है डीडवाना में उत्पादन किया जाने वाला यानी सोडियम सल्फेट है, वो देवल है। क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे के प्रश्न की बात करता हूँ मैं, तो ये बस दो ही प्रश्न बनते हैं, दो या तीन इस पर, और वो आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। ज़्यादा गहराई तक जाने की जरूरत नहीं, बहुत सरल है। अब डीडवाना झील के बाद में अगली बात करते हैं अपने, और वो करते हैं जो आपने खूब सुना होगा, एक झील है पंचभद्रा, पंचभद्रा या पंचभद्रा, बात एक ही है, पंचभद्रा या पंचभद्रा झील। देखिए पंचभद्रा या पंचभद्रा झील है, ये आपको मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि अभी समय कम है और मोबाइल भी पूरा हो चुका है, इसकी क्वालिटी इतनी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।